वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, जो कि आपका पेपर है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 में। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है आपका बेटा ये डीएससी हिंदी का, एज पर द यूजीसीएफ 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका पहला, दूसरा, तीसरा इकाई मैं आपको करा चुकी हूँ। आज चौथी इकाई यानी कि आखिरी इकाई यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो और बनाऊंगी और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी पेपर की कंप्लीट हो जाएगी बेटा। तो चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ है आपका इकाई 4, स्वातंत्र्योत्तर पत्र पत्रिकाएं। पेपर का नाम है हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं। तो स्वातंत्र्योत्तर का मतलब है आजादी के बाद जो पत्र पत्रिकाएं भारत में आती रही, चलती रही, छपती रही और पढ़ी जाती रही, उनके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि आजादी के बाद भी भारत में पत्र पत्रिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने आजादी के टाइम पर, तो आजादी की लड़ाई जब चल रही थी उस टाइम का तो पढ़ा था कि क्या रोल था इनका सब पत्र पत्रिकाओं का। उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन आजादी के बाद भी इनका महत्व कम नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार ये महत्वपूर्ण हमारे लिए बनी ही रही है। तो स्वातंत्र्योत्तर काल कहा जाता है आजादी के बाद के काल को बेटा। भारत में 1947 के 15 अगस्त 1946 के 47 के बाद के समय को स्वातंत्र्योत्तर काल कहा जाता है। इस दौरान पत्र पत्रिकाओं ने न केवल देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उन्होंने भारतीय जनमानस को जागरूक करने और विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम भी प्रदान किया। यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं थी ये केवल खबरें ही नहीं पहुंचा रही थी एक दूसरे तक, हम तक केवल राजनीतिक घटनाओं तक ही शामिल जो है नहीं थी, ये सामाजिक चीजों तक ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं थी, बल्कि साथ साथ ही हमें जो आम लोग थे जागरूक करने का काम भी कर रही थी और साथ में विचारों के आदान प्रदान के लिए भी एक सशक्त माध्यम, एक मजबूत माध्यम की तरह पूरे देश में काम कर रही थी। तो इनमें कुछ पत्रिकाओं के नाम लिए गए हैं बेटा जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और दिनमान। इन तीन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान एक लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जो आजादी के बाद सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को कवर किया करती थी बेटे, मतलब सोशल इश्यूज और साथ में पॉलिटिकल इश्यूज को ही कवर किया करती थी। और ये विभिन्न सामाजिक विषयों पर लेख और विश्लेषण भी प्रदान किया करती थी और भारतीय मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। दूसरी पत्रिका थी बेटा धर्मयुग, ये भी हिंदी की बहुत ही लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक थी। ये विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच प्रदान किया करती थी और इसमें प्रमुख साहित्यकारों के लेख प्रकाशित हुआ करते थे। तीसरी पत्रिका थी दिनमान बेटे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्रिका मानी जाती थी और आजादी के बाद भारत ने प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को गहराई से कवर किया करती थी। तो इन तीनों पत्रिकाओं को हम लोग आज के वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी कुछ और पत्रिकाएं हैं जिनके नाम आप याद कर लीजिए, आपको जगह जगह कोट करने में काम आएंगे। सारिका, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और फ्रंट लाइन, ये भी आजादी के बाद की पत्रिकाएं हैं। हालांकि बाद में हम बहुत सी पत्रिकाओं के नाम भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, पर ये तीन खास थी जिनको आप याद रख लीजिएगा बेटे। तो आजादी के बाद इन पत्र पत्रिकाओं ने पत्रकारिता की एक नई धारा को जन्म दिया जो न केवल समाचार और जानकारी प्रदान करती थी बल्कि समाज सुधार, राजनीतिक जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। यानी कि ये केवल समाचार ही नहीं दे रही थी हमें, ये पत्रिकाएं केवल जानकारी हम तक नहीं पहुंचाती थी बल्कि समाज सुधार की दिशा में भी काम करती थी। साथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी कि राजनीतिक जागरूकता भी फैलाया करती थी, कैसे कि भाई अपना मतदान का प्रयोग कीजिए, साथ में आपको हर तरीके से राजनीतिक रूप से जिस तरीके से आपको जागरूक रहना चाहिए वो सब भी ये किया करती थी। और साथ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मतलब संस्कृति के खिलाफ हमें जो है हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम भी ये सारी पत्रिकाएं किया करती थी। तो पहले हम पढ़ेंगे दिनमान के बारे में। तो दिनमान भारत की एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्रिका थी जिसे 1965 में शुरू किया गया था। कब? 1965 में। इसे उस समय की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर अभी भी आता है बेटे, आपको पता होगा, कुछ लोगों के यहाँ जरूर आता होगा। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समाज, राजनीति और सांस्कृतिक मुद्दों पर गहरी और गंभीर पत्रकारिता। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक जो मुद्दे थे उन पर, राजनीति पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर गंभीर पत्रकारिता करना इसका मकसद था। तो दिनमान ने
हिंदी पत्रकारिता में एक नई धारा का परिवर्तन किया, मतलब एक नई डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, जिसमें विश्लेषणात्मक और खोजी पत्रकारिता पर जोर दिया गया। यानी कि आपको कोई खबर मिली, आपने सुनी, उसके बाद उसको जैसे एक तरह से आजकल जो कहा जाता है कि आप इसको जो है फैक्ट चेक पर डाल दीजिए, इस तरीके का काम ये किया करती थी कि भाई ये खबर सच्ची है या झूठी है, उस पर एक तरीके से खोजी पत्रकारिता करते थे कि वाकई में खबर सच्ची है या झूठी है या कोई झूठी खबर फैला रहा है, इस तरह की चीजें एनालाइज किया करते थे। तो इस पत्रिका के संस्थापक जो थे वो संपादक, संस्थापक भी और संपादक भी, मतलब संस्थापना इसकी की थी, शुरुआत की थी, और बाद में एडिटर भी इसके साथ के साथ रहे सत्यजीत राय जी, और बाद में इसका संपादन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के दिग्गज रघुवीर सहाय द्वारा किया गया था। रघुवीर सहाय जी का नाम आपने जरूर सुना होगा बेटा, हिंदी के जाने माने पत्रकार थे, हिंदी के साहित्यकार थे ये। इन्होंने बाद में इस पत्रिका का कार्यभार संभाल लिया था, जिन्होंने इसे अपनी संवेदनशीलता और विचारशीलता के साथ और भी प्रभावशील बनाया था। बहुत ही संवेदनशील साहित्यकार थे, इन्होंने इस पत्रकारिता को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो रघुवीर सहाय का संपादन काल दिनमान की सबसे ऊंची लोकप्रियता का दौर था, यानी कि जिस वक्त रघुवीर सहाय जी इसके जो है संपादक थे, उस वक्त लोग जो ये थी जो पत्रिका थी दिनमान सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। तो दिनमान की कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। दिनमान जो थी गंभीर और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग किया करती थी, यानी कि दिनमान जो थी अपने विश्लेषणात्मक लेखन के लिए जाना जाता था। यानी कि कोई भी खबर आती थी उसका विश्लेषण किया करते थे, उसको एक तरीके से कह लीजिए कि पोस्टमार्टम किया करते थे, जो आज की भाषा में कहा जाता है। इसमें भारतीय राजनीति, सामाजिक मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहन अध्ययन और विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ करते थे, मतलब गहन डीप स्टडी किया जाता था उन खबरों को, उसके बाद उन पर आर्टिकल लिखे जाते थे। यह पत्रिका गहराई से विचार करने वाले लेखकों, संपादकों और पत्रकारों के योगदान के लिए मशहूर थी, मतलब लोग बहुत गहराई से इस पर विचार रखा करते थे, सोचते थे, मंथन करते थे, उसके बाद उसको लोगों के सामने लेकर के आया करते थे। तो पहली विशेषता तो हो गई इसकी गंभीर और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग, दूसरी थी राजनीतिक मुद्दों पर गहन दृष्टिकोण। तो स्वतंत्रता के बाद के भारत में, मतलब आजादी मिल गई थी उसके बाद के भारत में, बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल होती रही और समाज में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, जिन पर दिनमान ने बड़ी ही एक तरह से बहुत ही प्रमुखता से लिखा। इसमें सरकार की नीतियों के बारे में, चुनावों के बारे में, समाज सुधार के बारे में, राजनीतिक विवादों पर बहुत ही एक तरह से इम्पार्शियल होकर के, तटस्थ रह करके और बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन दिया जाता था, संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता था। साथ में सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र को भी कवर किया जाता था। तो दिनमान ने साहित्य, कला, संस्कृति की भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इसके विशेष अंकों में साहित्यिक आलोचना, कला समीक्षाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा वगैरह भी की जाती थी। साथ में इसका ध्यान समाज सुधार और सामाजिक मुद्दों पर भी रहता था। समाज में हो रहे बदलाव, महिलाओं और दलितों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी दिनमान ने लेख प्रकाशित किए। मतलब केवल खबरें पहुंचाना इसका काम नहीं होता था, इसके अलावा भी ये काफी काम करती थी। समाज में जो भी अच्छा बुरा हो रहा था उस पर भी विचार इसमें प्रस्तुत होते थे साथ में लेखकों के। साथ में समाज सुधार की बातें कही जाती थी, लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि वो अपने विचारों को बदलें, अपनी मानसिकता को बदलें और समाज के साथ एक तरह से समाज के सुधार के लिए काम करें। तो ये पत्रिका समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को भी जगा देती थी, मतलब जिनको एक तरीके से दबा कर रखने की कोशिश की जा रही थी उनकी आवाज को भी ये पत्रिका आवाज दे रही थी। साथ में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता, दिनमान अपने निर्भीक और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। देखिए आपको मालूम है कि भाई पॉलिटिकल जो खबरें होती हैं उसमें सरकार के खिलाफ लिखना बहुत ही हिम्मत की बात हो जाती है कई बार पत्रकारों के लिए, लेकिन ये काम भी दिनमान लगातार करता रहा था। इसमें सरकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण ना रखते हुए निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की जाती थी, मतलब कोई पक्षपात नहीं होता था, सरकार है तो हम पक्ष नहीं लेंगे ऐसा एक मानसिकता थी, हम सही को सही और गलत को गलत ही कहेंगे, किसी से डरे बगैर ये पत्रकारिता दिनमान ने की थी। लेकिन दिनमान का प्रकाशन 1990 के दशक में बंद हो गया। इसने हिंदी पत्रकारिता में जो एक स्टैंडर्ड सेट किए थे वो आज भी आदर्श माने जाते हैं। इसका साहित्यिक और पत्रकारिता योगदान अमूल्य था और ये पत्रिका भारतीय समाज में स्वतंत्र और गंभीर पत्रकारिता का प्रतीक बनी रही, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे साहित्य के लिए, हमारी पत्रकारिता के लिए, उसे आज भी कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है, बहुत ही अमूल्य योगदान इसका रहा और ये बहुत ही गंभीर पत्रकारिता का प्रतीक रही है। ये था दिनमान का परिचय बेटा। दूसरी पत्रिका जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है वो है धर्मयुग। तो धर्मयुग
भारतीय हिंदी साहित्य की, देखिए वो पत्रकारिता थी, ये साहित्य की पत्रिका है, ठीक है बेटा। तो हिंदी साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक थी, साहित्यिक पत्रिका थी धर्मयुग, वो थी आपकी सामाजिक राजनीतिक सारी चीजें कवर कर रही थी, लेकिन धर्मयुग जो थी आपकी ये केवल साहित्यिक पत्रिका थी लेकिन लोकप्रिय थी। इसे 1949 में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा शुरू किया गया था, उसे किया था हिंदुस्तान टाइम्स ने, धर्मयुग को किया था टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने। इस पत्रिका का संपादन प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार धर्मवीर भारती द्वारा किया गया था, पत्रकार थे लेखक थे धर्मवीर भारती, इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, इस पत्रकार की शुरुआत की थी धर्मयुग की, तो उनका नाम भी था धर्मवीर भारती, तो आपको याद रह जाएगा धर्मयुग, जिन्होंने इसे हिंदी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। तो धर्मयुग मुख्य रूप से किन किन चीजों को कवर करती थी, साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें समाज राजनीति धर्म और जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी गहन लेख प्रकाशित हुआ करते थे। मतलब मेनली ये साहित्यिक पत्रिका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हम इसमें कोई पॉलिटिकल चीजें नहीं लाएंगे, इसमें राजनीति से जुड़ी खबरें भी आती थी, समाज से जुड़ी खबरें भी आती थी, धर्म और जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुआ करती थी। तो ये पत्रिका न केवल साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन करती थी, मतलब साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन करती थी वैसे तो बेसिकली ये लेख उपन्यास कहानियां कविताएं, लेकिन युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और साहित्यिक आंदोलन को बढ़ावा देने का काम भी करती थी, और इसके लिए एक प्रमुख मंच थी। जो युवा लेखक हुआ करते थे, जो नए नए लिखना शुरू कर रहे थे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी, यहाँ पर उनकी आर्टिकल छपा करते थे, उनको प्रोत्साहन मिला करता था। तो धर्मयुग की खास विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, साहित्यिक सामग्री। इस पत्रिका में कविता कहानियां उपन्यास अंश उपन्यास टुकड़ों में छपा करता था बेटा, एक तरह से अलग अलग पाठ में छपा करता था। निबंध साहित्यिक आलोचना ये सब प्रकाशित हुआ करता था। प्रसिद्ध लेखक की भी रचनाएं छपती थी, और साथ में जो नवोदित या नवोदित यानी कि जो नए लेखक होते थे उनकी रचनाओं को भी इसमें छापा जाता था। साथ में धर्म और संस्कृति पर बात होती थी। धर्मयुग भारतीय समाज के धर्म संस्कृति और परंपराओं पर केंद्रित लेख भी प्रस्तुत किया करती थी। इसका उद्देश्य था भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना। तो इसके लिए ये बखूबी काम कर रही थी कि यहाँ के कल्चर को रिटेन करना उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। साथ में समकालीन मुद्दे, उस टाइम के जो करंट इश्यूज होते थे, धर्मयुग ने राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन शिक्षा और समाज सुधार जैसे विषयों पर भी काफी लेख प्रकाशित किए। इसमें संपादकीय और विशेष लेख भारत की समकालीन स्थिति पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। इसमें बहुत सारे लेख हुआ करते थे जो कि उस टाइम की जो स्थिति थी भारत की, जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, जो सांस्कृतिक स्थिति थी, उन सब पर भी चर्चाएं हुआ करती थी। साथ में प्रभावशाली लेखकों का इसको सहयोग मिला था। तो धर्मवीर भारती बहुत जाने माने लेखक थे, इनके नेतृत्व में इस पत्रिका ने कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों को जोड़ा था। इससे काफी सारे साहित्यकार जुड़े हुए थे, इनमें मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन जैसे जो बड़े बड़े लेखक और कवि थे, ये भी नियमित रूप से अपना इस पत्रिका में योगदान दिया करते थे। तो धर्मयुग का 1980 और 1990 के दशक में प्रसार थोड़ा कम होने लगा था, और आखिरकार 1993 में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान भारतीय समाज में अमूल्य माना जाता है। जिस टाइम ये छपती थी उस टाइम का इसका योगदान कोई भूल नहीं सकता है बेटे, ठीक है। अगली पत्रिका है आपकी साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान एक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब हफ्ते में एक दिन आया करती थी ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, जिसे 1943 में यानी कि 1943 में हिंदुस्तान टाइम्स समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था। जिन्होंने दिनमान को प्रकाशित किया था उन्होंने ही हिंदुस्तान टाइम्स समूह ने ही इसको भी प्रकाशित किया था। तो ये पत्रिका आजादी के बाद के भारत में हिंदी भाषा में पत्रकारिता और साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी, और साथ में साहित्य का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज मानी जाती थी। इसका उद्देश्य था भारतीय समाज में राजनीति सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विमर्श को बढ़ावा देना। तो इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, विविध विषयों की कवरेज, ये तो आपकी सभी की कंट्रीब्यूशन रेट सबका सेम ही एक तरीके से। तो पत्रिका में राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख होते थे, रिपोर्ट होती थी, विश्लेषण प्रकाशित होते थे। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर लेख प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते थे साप्ताहिक हिंदुस्तान में। इसका साहित्यिक योगदान क्या था? साप्ताहिक हिंदुस्तान ने साहित्यिक लेखकों और कवियों के लिए एक मंच प्रदान किया। इसमें उपन्यासों के अंश, कहानियां,
कविताएं, साहित्यिक समीक्षाएं, ये सब कुछ प्रकाशित किया जाता था, जिससे जो पत्रिका थी ये साहित्यिक रूप से समृद्ध मानी जाती थी, मतलब साहित्यिक पत्रिका मानी जाती थी। महिला और समाज सुधार पर भी ये पत्रिका काफी कुछ लिखती थी। इस पत्रिका में समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी समस्याएं, उनका सशक्तिकरण, इन बातों पर भी जोर दिया जाता था। इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की, उनकी स्थितियों पर भी काफी चर्चा की जाती थी। मतलब ये पत्रिका जो थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, महिलाओं के लिए काफी कंसर्न थी। साथ में से मैं राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियां भी हुआ करती थी। तो इस पत्रिका में, यानी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में, राजनीतिक टिप्पणियां, सामाजिक टिप्पणी मतलब कि आर्टिकल्स एक तरीके से कह सकते हैं, सामयिक मुद्दों पर गहन विश्लेषण, जो कि उस टाइम के करंट इश्यूज होते थे उन पर एनालिसिस हुआ करता था, इसे लिखे उस समय की सबसे प्रमुख पत्रिकाओं में से एक बनाते थे। इसमें संपादकीय लेखों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं पर बहस और चर्चा की जाती थी, लेख लिखे जाते थे, डिबेट्स हुआ करती थी, चर्चाएं हुआ करती थी। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान मध्य वर्ग और शिक्षित समाज के बीच बेहद लोकप्रिय था, एक तो मिडिल क्लास में और जो एक एजुकेटेड क्लास थी उसके अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। इसके संपादकीय दृष्टिकोण और गहन सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण के कारण ये देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों और विचारशील लोगों के बीच खूब पढ़ी जाती थी, यानी कि इसे काफी ज्यादा पढ़ा लिखा जाता था उस टाइम पर। खूब लोग पसंद करते थे इसको पढ़ना, क्योंकि इसके आर्टिकल जो थे लोगों को बहुत पसंद आया करते थे। हालांकि 1990 के दशक में इसे आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता और साहित्य को जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है, यानी कि उसे भूला नहीं जा सकता है। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान ने हिंदी भाषी क्षेत्र में पत्रकारिता के नए मानक स्थापित किए, यानी कि नए स्टैंडर्ड सेट किए और लोगों को सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए और समझने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है आपातकाल के दौर की पत्रकारिता। इमरजेंसी लगी थी बेटा हमारे यहाँ इंडिया में 25 जून 1975 को और 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 1977 तक इमरजेंसी रही थी। इस काल को इमरजेंसी या फिर आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 का दौर है ये आपातकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर, उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल ना केवल राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रताओं पर एक बड़ा आघात था, बल्कि पत्रकारिता और प्रेस स्वतंत्रता के लिए भी ये उस समय एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित काल बना था बेटा। तो जब उस टाइम पर एक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो केवल राजनेताओं पर ही इमरजेंसी नहीं थी, सामाजिक स्वतंत्रता ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि पत्रकारिता पर भी, प्रेस पर भी काफी ज्यादा बंदिशें लगा दी गई थी। तो भारतीय प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस दौर में सबसे बड़े संकट से गुजरा था। इतनी बड़ी परेशानी कभी भी प्रेस के सामने इससे पहले नहीं आई थी। तो उस टाइम पर सेंसरशिप, दमन और सरकार के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था इनको, जिसने पत्रकारिता की आजादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो आपातकाल की बैकग्राउंड क्या रही, क्यों लगी आपातकाल, पहले तो हम बोल जान लें ताकि हमें समझ में आए कि इसमें क्या क्या चीजें हुई होंगी। तो 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, इसको राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। कैसे सामना करना पड़ा, क्या हुआ था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में जो इरेगुलरिटीज थी उनकी वजह से इंदिरा गांधी के 1971 के जो लोकसभा चुनाव में वो जीती थी उसको अवैध ठहराया, इलीगल ठहराया, जिससे उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जो थी वो खतरे में आ गई, उनको कुर्सी से त्याग पत्र देने की नौबत आ गई। तो ऐसे में क्या हुआ, इसके विरोध में विपक्षी दल, जन संगठन सारे के सारे उनके विरोध में आंदोलन करने लग गए, जिसका नेतृत्व जेपी जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, जिनकी आप कविता पढ़ते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, सही वाली जो कविता आप लोग पढ़ते हैं वही जेपी थे ये। तो इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। वे सारे के सारे दंगों को दबाने का एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन था, क्योंकि पूरे देश में यहाँ पर जो है विरोध हो रहा था, पूरे देश में धरने हो रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो ऐसे में प्रेस सेंसरशिप की शुरुआत हुई। आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप लगाते हुए यह आदेश दिया कि सभी अखबारों और पत्र पत्रिकाओं को जो भी कुछ वो छाप रही हैं उसे पहले सरकार से चेक कराना होगा, सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो इस सेंसरशिप का मकसद ये था कि सरकार के खिलाफ कोई भी पत्रिका कुछ भी लिख ना पाए, कोई भी उनके खिलाफ ना लिखे, ये मकसद था बेटे। तो कोई भी सरकार की आलोचना ना कर पाए, इस बात के लिए सारे के सारे पत्र पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगाया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है बेटा कि आप जो कुछ भी लिखोगे हमसे चेक करा के तब आप आगे उसको फॉरवर्ड करोगे। तो आपातकाल के दौरान सरकार के इस कदम से प्रेस की भूमिका बहुत ज्यादा सीमित हो गई।
और पत्रकारिता के स्वतंत्र स्तर जो सर जो थे वो दबा दिए गए। जहां सारे देश में सरकार का विरोध हो रहा था, वहां जो पत्र थे वो सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते थे, इससे बड़ी बंदिश कोई हो नहीं सकती थी। तो प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही सेंसरशिप का दमनकारी स्वरूप। आपातकाल के तुरंत बाद सरकार ने सेंसरशिप लागू कर दी। तो समाचार पत्रों को उनकी सभी रिपोर्ट और संपादकीय जो सरकारी अधिकारी से प्रमाणित कराने के बाद ही छापने की अनुमति थी। मतलब कि पहले कोई भी आपका आर्टिकल है, कोई भी खबर है, उसको पहले आप सरकारी अधिकारी से सर्टिफाई करवाएंगे, चेक कराएंगे, उसके बाद ही उसको आप छापेंगे। तो इसकी वजह से राजनीतिक आलोचना जो थी वो पूरी तरह से रुक गई और सरकार के खिलाफ जो भी पत्रकार लिख रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। साथ ही आलोचक पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ। उस टाइम पर जो भी पत्रकार थे सरकार की आलोचना कर रहे थे उनको जेल में डाला गया, उनकी पत्रिकाओं और अखबारों को जब्त कर लिया गया। रामनाथ गोयनका, कुलदीप नैयर, ऐसे बहुत सारे पत्रकार थे इस दौर में जिन्होंने कड़े विरोध का सामना किया, जिनको जेल में डाला गया। विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे समाचार पत्र थे, इन्होंने आपातकाल के दौरान प्रतिरोध करने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दबाया गया, बहुत उनको दमन का सामना करना पड़ा। अब मीडिया का सेल्फ कंट्रोल, आपातकाल के दौरान कई मीडिया संस्थान सरकार के दमनकारी रवैये के सामने झुक भी गए और आत्मनियंत्रण की नीति अपनाई, अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि हम सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे नहीं। तो सरकार के निर्देशों के अनुपालन में इंदिरा गांधी की नीतियों की प्रशंसा करने लग गए, वो विरोधी स्वरों को दबाने लगे, मतलब अपने आप ही वो लोग सरकार की तारीफें करने लगे और जो विरोध कर रहे थे उनकी आवाज को दबाने लगे, उनको उनके बारे में लिखते नहीं थे। तो इस वजह से कई प्रमुख जो अखबार थे उन्होंने आपातकाल के दौरान जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो अधिकार थे, उनको इग्नोर किया, अनदेखी की। अब अखबारों का प्रतिरोध भी था, हालांकि सेंसरशिप की वजह से अधिकतर मीडिया जो सरकार की हां में हां मिला रही थी, लेकिन तब भी कुछ जो है कुछ अखबार ऐसे थे जो कि सरकार का विरोध कर रहे थे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पेज को छोड़ करके विरोध जताया, है ना, पहले पेज को खाली छोड़ दिया करते थे। इंडियन एक्सप्रेस का जो था, इंडियन एक्सप्रेस अपना पहला पेज खाली छोड़ दिया करता था। इस तरीके से उसने विरोध जताया ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है। ठीक है, अब प्रेस की आंतरिक आलोचना, है ना, मतलब कुछ पेपर्स ऐसे थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस ने पहला पेज खाली छोड़ दिया करते थे, ये लोग उस पर कुछ भी नहीं छापते थे। तो प्रेस की आंतरिक आलोचना, प्रेस की अंदरूनी आलोचना भी हो रही थी। बहुत से पत्रकार प्रेस की अपने आप ही आलोचना कर रहे थे। इस दौर में सबसे कड़ी आलोचना पत्रकारों की ओर से खुद प्रेस के प्रति की गई। पत्रकार खुद प्रेस की आलोचना कर रहे थे। सेंसरशिप के बावजूद बहुत से पत्रकार ऐसे थे जिनकी लेखनी में छिपे संदेश और प्रतीकों का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। जैसे कि जो काम होता था बेटा आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में एक जैसे सिंबॉलिक वे में लिखा जाता था, वही चीज होने लगी थी, सिंबॉलिक वे में लिखा जाने लगा था। तो ये उनकी चतुराई और साहस का प्रमाण था, क्योंकि इन पत्रकारों को सरकार के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता, सरकार उन पर बहुत सी बंदिशें लगा दिया करती थी। साथ में आकाशवाणी और सरकारी प्रचार, आकाशवाणी जो उस टाइम पर मुख्य रूप से सरकार के कंट्रोल में होता था, सरकारी नियंत्रण में हुआ करता था, तो उस पर आपातकाल के दौरान सरकारी प्रचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना करके इसको काम किया। जनता को आपातकाल के इमरजेंसी के समर्थन में जानकारी दी जाती है कि हम इमरजेंसी जो है हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, ये बताए जाने की कोशिश की जाती रही और कोई भी विरोधी आवाज जो हो उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, किसी को सुनने ही नहीं दी गई कोई विरोधी आवाज। तो इससे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के विचार को बहुत ही झटका लगा, बहुत ही कमजोर हुई हो। तो आपातकाल के बाद का प्रभाव क्या रहा? आपातकाल के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई सत्ता में, तब प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने की कोशिश की गई दोबारा से। लेकिन आपातकाल ने भारतीय पत्रकारिता के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या प्रेस वास्तव में आजाद है? क्या कोई भी सरकार प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकती है क्या आने वाले टाइम में? तो कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को अपने लिए एक तरह से आत्मनिरीक्षण करना पड़ा कि आपातकाल के दौरान उन्होंने सरकार के दबाव का कितना सामना किया और उन्हें कितना झुकना पड़ा। इन बातों को उन्होंने बहुत बाद में बताया और अब तक बताते हैं बेटा। तो निष्कर्ष यही है कि आपातकालीन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में, आपातकाल जो है ये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है जिसने प्रेस की आजादी पर बहुत गंभीर प्रहार किया था। इस दौर में पत्रकारिता के आजाद स्वरूप को, यानी कि स्वतंत्र स्वरूप को कुचलने के लिए सरकार ने हर संभव कोशिश की थी। हालांकि कुछ साहसी पत्रकार और कुछ मीडिया संस्थान थे जो कि दमनकारी माहौल में भी इतने दबाए जाने के बावजूद भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे थे, सरकार का विरोध करते रहे थे, लेकिन उन्होंने विरोध के प्रतीकों को और संवेदना जो है छिपे हुए संदेशों का इस्तेमाल करके जनता को सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की थी।
अब इमरजेंसी के इस अनुभव ने भारतीय पत्रकारिता को मजबूत किया और भविष्य में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य को संरक्षित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित। मतलब अब भविष्य के लिए भी वो लोग अलर्ट हो गए कि हमें आगे क्या करना है कि कोई प्रेस पर ऐसी बंदिशें ना लगा पाए। आगे है यहाँ पर आपका इमरजेंसी की पत्रकारिता का टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा। इसके बाद है समकालीन पत्र पत्रिकाएं, बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है बेटा। तो देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद यानी कि 1992 के बाद एक तरफ जहां समाचार पत्रों के विदेशी निवेश के कारण आर्थिक संपन्नता बढ़ी और वहीं तकनीकी सुविधाएं भी, मतलब आर्थिक उदारीकरण यानी कि हमारे यहाँ बाहरी निवेश भी होने लगा, विदेशों से भी निवेश होने लगा, विदेशी भी हमारे यहाँ पैसा लगाने लग गए, तो उसके बाद आर्थिक संपन्नता बढ़ गई और तकनीकी सुविधाएं भी आ गई। वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को विज्ञापन के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं की भी जरूरत थी। जो लोग इन्वेस्टर्स थे यहाँ पर पैसा लगा रहे थे, उनको विज्ञापन भी देने थे, उसके लिए उन्हें पत्र पत्रिकाएं भी चाहिए थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांव कस्बों की साक्षर हो रही जनसंख्या को ज्ञान वर्धन हेतु पत्र पत्रिकाओं की जरूरत हुई। तो एक तरफ तो निवेशकों को पत्र पत्रिकाएं चाहिए थी एडवर्टीजमेंट के लिए, दूसरी तरफ जो लोग पढ़ते जा रहे थे, पढ़ लिख करके जो साक्षर हो रहे थे, उनको भी पत्र पत्रिकाएं चाहिए थी। तो इन कारणों से क्या हुआ कि देश के बड़े समाचार पत्र जो थे जैसे कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, इन सब ने अपने लोकल संस्करण का प्रकाशन शुरू कर दिया, जैसे गाजियाबाद संस्करण या फिर दिल्ली संस्करण, ऐसे अलग अलग छपते हैं बेटा। तो राज्यों के हर जिले के लिए समाचार पत्रों के संस्करण रंगीन पत्रों के पुलआउट के साथ 24 से 36 पेजों के मोटे और भारी समाचार पत्रों की प्रसार संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई। तो मोटे मोटे समाचार पत्र छपने लगे जिनमें बीच में रंगीन पेज हुआ करते थे। तो ये समय समाचार पत्रों के विकास और प्रसार के लिए जितना अच्छा था, समाचार पत्रिकाओं के लिए उतना ही बुरा था, क्योंकि पत्रिकाओं का काम ये पत्र ही कर रही थी। तो यही वो समय था जब समाचार पत्रों में रंगीन पुलाउट में साहित्य, खेल जगत, महिला और बच्चों के लिए पठन पाठन की सामग्री, करियर विमर्श, ये सभी कुछ छपने लगा। और प्रिंट मीडिया के जो मालिक थे उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन आर्थिक मुनाफे का सौदा नहीं रह गया, क्योंकि पत्रिकाएं लोग जिन चीजों के लिए खरीदा करते थे वो सब अब समाचार पत्र में मिलने लग गया था, तो लोग पत्रिकाएं नहीं खरीदते थे। इस वजह से एक के बाद एक जो सबसे ज्यादा पत्रिकाएं जो बिकने वाली थी वो सबके सब धीरे धीरे करके बंद होती चली गई। जैसे अभी हमने पढ़ा कि धर्मयोग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान दिनमान, सभी की सभी जो बहुत पॉपुलर पत्रिकाएं थी, सभी की सभी 1990 के दशक में बंद हो गई। इसी बीच 2010 में 3G फोन्स आ गए, 2016 में 4th generation फोन भी आ गए, उसके बाद है ना, तो क्या हुआ समाचार पत्रों पर का जो है मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो गई। धीरे धीरे समाचार पत्र जो थे मोबाइल पर पढ़े जाने लगे, ई पेपर आने लग गया धीरे धीरे, तो समाचार पत्रों की मांग धीरे धीरे प्रभावित होने लग गई। फिर वर्ष 2020 में जब COVID-19 आया बेटे, महामारी में पका जो समाचार पत्र थे, एक तो समाचार पत्र लेना ही हम लोगों ने बंद कर दिया था, पेपर नहीं लेना है, तो उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। महामारी के दौरान आर्थिक बदहाली से बचने के लिए जहां बड़े समाचार पत्रों ने अपने स्थानीय संस्करणों को बंद कर दिए, लोकल संस्करण जो बनने वो शुरू हुए थे वो सब बंद कर दिए गए, और समाचार पत्रों के पन्नों और पुलआउट की छपाई रोक करके अपने अस्तित्व को बचाने के में सफल रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपने पेपर को पतला कर लिया, पेज कम हो गए, और वहीं स्थानीय छोटे पत्र जो थे हमेशा के लिए बंद हो गए। लोकल पेपर छोटे मोटे छपा करते थे, बहुत सारे पेपर ऐसे बंद हो गए, लेकिन जब महामारी खत्म हो गई है उसके बाद समाचार पत्र फिर से एक बार कमबैक करने की कंडीशन में आ चुके हैं, कमबैक कर भी रहे हैं। अब रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI के हिसाब से हिंदी भाषा में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड अखबारों और पत्रिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं हैं यहाँ पर। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के आंकड़ों के हिसाब से देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले समाचार पत्रों में से 5 हिंदी के हैं बेटा, जिनमें दैनिक भास्कर पहले नंबर पर है, अमर उजाला चौथे स्थान पर है, हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, और राजस्थान पत्रिका 6ठे नंबर पर है, और दैनिक जागरण 8वें नंबर पर है। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं की मांग देश में बाकी सभी भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा है, यानी कि 10 में से 5 हिंदी की है। अब है समकालीन पत्र पत्रिकाओं की सूची बेटा, जो समाचार पत्र अब आते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के नाम बताऊंगी, वो यहाँ पर है बेटा। तो अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जनसत्ता, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात खबर, लोकमत, सनमार्ग, नई दुनिया, नव भारत टाइम्स, हरिभूमि, दिव्य हिमाचल, प्रभा साक्षी, देवदूत, दैनिक ट्रिब्यून, समाचार जगत, देशबंधु, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, संजीवनी टुडे, उत्तम हिंदू, लोक तेज, नव भारत,
रांची एक्सप्रेस, वीर अर्जुन, चौथी दुनिया, आज, ये सारे के सारे समाचार पत्र बेटा हिंदी में भारत में छपते हैं, ठीक है। और समाचार पत्रिकाएं हैं इंडिया टुडे, जिसका की प्रकाशन 1975 में देश के आंतरिक आपातकाल के टाइम पर शुरू हुआ था, इमरजेंसी में शुरू हुई थी इंडिया टुडे, और आज भी ये छपती है। इसके अलावा हिंदी आउटलुक और पांच जन ये समाचार पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा साहित्यिक पत्रिकाएं हैं हंस, नया ज्ञानोदय, तद्भव, पहल, वागार्थ, वाक, कथाक्रम, रंग प्रसंग, पाखी, आलोचना, नटरंग, और इनके अलावा भी बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं भारत में हिंदी में छपती हैं। तो निष्कर्ष है, स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता ने नए मानक गढ़े, यानी कि आजादी के बाद नए स्टैंडर्ड सेट हुए पत्रकारिता में। बंगाल गजट से लेकर के उदंड मार्टर ने स्वतंत्रता की चिंगारी को ज्वाला के रूप में प्रज्वलित किया। मतलब बंगाल गजट से जो शुरुआत हुई थी भारत में, उसके बाद उदंड मार्टर आया था इंडिया में, तो इनसे शुरू होकर के जो आजादी की चिंगारी शुरू हुई थी वो आज तक लगातार जल रही। इस दौर ने समाज की प्रत्येक विकृति को निष्पक्ष रूप से आम जन के समक्ष रखा। इस दौर में पत्रकारिता ने जो भी कहीं कमी देखी उसको निष्पक्ष रूप से आम जन के सामने रखा है, और पत्रकारिता ने भाषा की खोई हुई अस्मिता को बचाकर साहित्यिक प्रतिमानों के शिखर तक पहुंचा है। यानी कि पत्रकारिता ने भाषा की जो हमारी भाषाएं थी उनकी जो एक तरह से रेपुटेशन कम हो गई थी उसको दोबारा से स्टैंडर्डाइज किया है। पत्र पत्रिकाओं ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी घट रही घटनाओं को निरपेक्ष रूप से जनता के समक्ष प्रेषित किया। आप देखते होंगे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं वो हमें समाचार पत्र के जरिए पता चलती है। इसमें मुख्य शब्दावली जो आपको दी गई है वो यहाँ पर ये है। मनीषी का मतलब है विद्वान, कोई भी स्कॉलर। प्रभुत्व का मतलब कब्जा, वर्चस्व, होल्ड या जोर। संवाददाता जो रिपोर्टर होते हैं अखबार या टीवी चैनल के लिए खबरों को इकट्ठा करने वाला जो होता है संवाददाता कहलाता है। समावेश का मतलब है किसी चीज को शामिल करना। तथ्यावलोकन मतलब कि तथ्यों को देखना, फैक्ट को चेक करना, फैक्ट को देखना। तो ये था आपका आखिरी चैप्टर बेटा, हिंदी की प्रमुख संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं। जो पेपर है आपका बीए प्रोग्राम का फिफ्थ सेमेस्टर का, उसका ये लास्ट चैप्टर था। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए बेटा। आपका इसके बाद में आपके लिए इस पेपर में, इस प्लेलिस्ट में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो और लेकर के आऊंगी, लेकिन थोड़ा बाद में लेकर के आऊंगी आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही। तब तक आप इनको देखते रहिए बेटा, और कहीं भी कुछ डाउट हो तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। Have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.